Hello everyone, I hope all of you are doing great. This is day 4 from the Kashmir series. और ये जो day 4 थी, यहाँ पे हम mostly पहलगाम नहीं, हमारा view points था. तो हम अपने view points की तरफ जा रहे थे. The first one was Aru Valley, the second one was Chandanwadi and the third one was Betab Valley. तो जैसे जैसे आएगा मैं आपको वैसे वैसे बताती हूँ. एंड वन मोर थिंग इज़, पहलगाम जो है, अगर आप इसकी ब्यूटी को देखेंगे तो ये इतना खूबसूरत था, फ़ोन में कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन रियलिटी पहलगाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. बस यहाँ पे हम फाइनली आरू वैली पहुँच गए थे और दिस इज़ द मेन आरू वैली. और यहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर. और बहुत ज़्यादा आरू वैली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था. एक ही सिग्निफिकेंस है. यहाँ से ये देख रहे हैं, यहाँ से ट्रैक अमरनाथ जो होली केव है, तो अमरनाथ यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है और ये लास्ट बेस कैंप है उस चीज का. तो ऑलमोस्ट यहाँ से 32 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है. अच्छा. अब जाके आप होली केव में पहुँच रहे हैं. ठीक है. सो इसके बीच में मिडल में एक आता है एक लेक, दैट्स कॉल्ड शीशनाग लेक. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक. तो बस ये है. और आरू वैली का, हाँ, आरू वैली जो हम गए थे, दैट इज एक्चुअली द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो वहाँ पे भी कुछ लेक्स है, आगे जाके आप ट्रैक करना पड़ता है. टारसर मारसर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक. अच्छा. वहाँ पे वो दो लेक्स है, वो आरू वैली साइड से है. ओके. यहाँ पे हम चंदनवाड़ी पहुँच गए थे. ये आप साइड में रिवर देख रहे हैं ना, ये रिवर फ्लोइंग रिवर है. और इट वाज एन एक्सट्रीमली कामिंग एंड सूदिंग एक्सपीरियंस. आप यहाँ पे आके बिल्कुल, ये जो पानी, मेरे साथ ऐसा होता है कि पानी और
ग्रीनरी जब मुझे साथ में मिलता है तो इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है कि आपको यू नो आसमान, ग्रीनरी एंड पानी सब एक साथ मिले। सो आई रियली एंजॉय दीज काइंड ऑफ सीनिक व्यूज। ये एक शॉप पे मैं आई थी, तो आप आगे देखिए। और ये जो शॉप है ये चंदनवाड़ी में ही है, सो यू कैन शॉप फ्रॉम, यू कैन यू नो बाय ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दिस शॉप। मेरा नाम है गवर अहमद पीर है, ठीक है। हमारे पास पूरा कश्मीर आर्ट है, कश्मीरी पेपर माशी है, ठीक है, कश्मीरी ज्वेलरी है और कश्मीरी मेटल आइटम्स हैं। स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी है कश्मीरी पेपर माशी है। अच्छा। जो कि यहाँ का हाथ का काम है। कौन सा? ये वाला? हाँ जी, ये वॉल सर, ये पर्स है, ये वॉल प्लेट है, ये ज्वेलरी बॉक्सेस है, ये देखो डक बनी है, मछली बनी है, फ्लावर वाज बनी है, हाथ का काम सारा। ये कश्मीर का पहचान है, इसका नाम है कश्मीरी पेपर माशी। सारा हाथ का काम होता है, ये हाथ से बनाना पड़ता है। अच्छा। जी बहन। और ये किस मटेरियल से ये बनता है? पेपर से। इसका अच्छा। मेहनत बहुत है, इसका अच्छा। मेहनत बहुत लंबा है, तभी तो ये मतलब पूरा दुनिया में कश्मीर, पूरा कश्मीर का पेपर माशी फेमस है। अच्छा। ये देखो ये कश्मीरी डक है। ओके। ये देखो बहन, ये ज्वेलरी बॉक्स भी है, डेकोरेशन पीस भी है। यहाँ खोलो, इसमें ज्वेलरी रखो, डाइनिंग टेबल पे रखो तो शो पीस भी होगा। अच्छा। जी बहन, ये बहुत खूबसूरत चीज है, देखो ये कश्मीरी डॉग है। जी बहन, ये मछली। आपका शॉप का नाम क्या है? पीर गौहर चंदनवाड़ी। ओके, चंदनवाड़ी पीर गौहर। ओके, अगर किसी को लेना होगा ये सब तो वो यहाँ बिल्कुल रिजनेबल से रिजनेबल प्राइस है, ये कारीगर प्राइस है। जी बिल्कुल बहन, कारीगर प्राइस। बस फिर चंदनवाड़ी देखने के बाद हमारा जो थर्ड वाला पॉइंट था दैट वाज बेताब वैली। और बेताब वैली बहुत ही अच्छा था, मतलब मुझे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले थे। वहाँ पे एक गोट भी मिला था मुझे, जिसका नाम, अगर आप वहाँ पे जाएंगे बेताब वैली में, ये दो गोट्स हैं, एक आपको एंट्रेंस में मिलेगा और एक अंदर मिलेगा। जो अंदर था हिज नेम वॉज अरबाज एंड इट वॉज केप्ट बाई द ओनर ऑफ द गोट। और यहाँ पे भी आपको ड्रेस में फोटोज क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड दिस इज़ द कोट आई वाज टॉकिंग अबाउट, हिज नेम इज़ अरबाज। और ये बहुत ही अमेजिंग कोट है, ये बहुत सारे पोजेस भी देता है। ये देखिए, मतलब ये कोट जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और इसके साथ मैंने इतने सारे फोटोज क्लिक किए थे और रील्स भी बनाई थी। बेताब वैली देखने के बाद हम लंच करने गए थे और उसमें से केक आप देख रहे हैं, वी वर कटिंग इट बिकॉज हमें कुछ सेलिब्रेट करना था। जो हमारे ग्रुप के मेंबर थे तो उनका बर्थडे था एंड वी वर सेलिब्रेटिंग। एंड आफ्टर दैट एप्पल जहाँ पे होता है ना कश्मीरी एप्पल, वी वेंट टू दैट प्लेस और ये इन रूट था।
करते हैं, फिर उसके बाद ये कलर लेना शुरू करते हैं। पहले ग्रीन होता है, फिर ये फाइनली एज यू कैन सी हम कश्मीर के एप्पल्स लेने के लिए यहाँ पे आए थे, और मैंने कुछ एप्पल्स लिया भी था, और वहाँ पे हमने फ्रेश एप्पल जूस पिया था, और भी वहाँ पे कुछ कुछ इन एप्पल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे कुछ कुछ थे जो कि हमने देखा था, लेकिन मैंने मोस्टली ये एप्पल्स लिया था। एंड ये एप्पल्स जो है बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं जब इसको ट्रैवल करके लेके भी आई थी, दे वर स्टिल फ्रेश एंड बहुत अच्छे थे ये एप्पल्स, फिजिकली वेरी वेरी नाइस। आपको पता ही होगा कि कश्मीर के एप्पल्स काफ़ी फेमस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आई बिलीव। So this was the end of day 4 in Kashmir Pahalgam. I hope कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये ब्लॉग पसंद आई होगी। I know कि थोड़े intervals पे मैं post कर पा रही हूँ, because I have a lot of things going around. So I'm so sorry for the delay. लेकिन इसके बाद एक ही ब्लॉग है, which is of day 5. और उसके बाद day 6 में जो है हम वापस आ गए थे, एंड कश्मीर सीरीज वुड बी एंडिंग इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन डू कमेंट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज सीरीज ऑफ कश्मीर व्लॉग्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।